भी कचरा फैलाना बंद करो, वरना खुद तो डूबोगे, हम सबको भी ले डूबोगे। क्या होगा अगर धरती से सारी ऑक्सीजन 9-2-11 हो जाए, गायब हो जाए? सो गाइस, क्या हम ऑक्सीजन के बिना जिंदा रह पाएंगे? क्या इंपॉर्टेंस है ऑक्सीजन की हमारी लाइफ में? क्योंकि बढ़ते पॉल्यूशन और कचरे की वजह से ऑक्सीजन का लेवल बहुत कम हो चुका है और फ्यूचर में तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। सो व्हाट्सअप गाइस, वीडियो को शुरू करते हैं। मैंने टाइम गवाए। सो गाइस, अगर धरती से सारी ऑक्सीजन गायब हो गई ना, चली गई ना, तो हमें घुटन महसूस होने लगेगी और हमारा दिमाग काम करना बंद कर देगा। ये सब कुछ इसलिए होगा क्योंकि हमारी बॉडी में जितने भी सेल्स प्रेजेंट होते हैं उनको फंक्शन करने के लिए, काम करने के लिए ऑक्सीजन चाहिए। और ऑक्सीजन ही धरती से गायब हो गई तो सेल्स क्या घंटा काम कर पाएंगे? कुछ नहीं कर पाएंगे। वैसे हमारी अर्थ क्रस्ट 45% ऑक्सीजन से बनी हुई है और ऑक्सीजन के गायब हो जाने से अर्थ क्रस्ट ड्राई और स्मूथ हो जाएगा, जिसके कारण सारी धरती रेगिस्तान में बदल जाएगी। भैया रेगिस्तान, और धीरे धीरे ये धरती फटने लगेगी, धरती फटने लगेगी और साथ में हमारी भी, हाँ हाँ हमारी भी, सारी मेटल बिल्डिंग्स टूट जाएंगी, टूट के बिखर जाएंगी, क्योंकि मेटल ऑक्सीडेशन की वजह से ही स्टेबल होता है। अब ऑक्सीडेशन ही नहीं होगी, इसका मतलब ऑक्सीजन ही नहीं होगी, तो ऑक्सीडेशन क्या घंटा होगी और मेटल भी क्या घंटा स्टेबल होगा। गाइस, वाटर 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल से बना हुआ है। अगर 33% ऑक्सीजन अर्थ से गायब हो जाए ना, तो समुंदर का सारा हिस्सा हाइड्रोजन में बदल गया, क्योंकि ऑक्सीजन तो चली गई ना, तो अब वाटर में क्या बचा? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन सबसे लाइटेस्ट गैस होने की वजह से स्पेस में ट्रैवल कर जाएगा। पहले तो ट्रोपोस्फेयर में करेगा, फिर धीरे धीरे स्पेस में चला जाएगा। और फिर क्या होगा? धरती का करता धरता, धरती का सुरक्षा कवच, यानी ओजोन लेयर, एक मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन गैस है जो ऑक्सीजन के गायब हो जाने से यूवी रेडिएशंस हमें जला के राख कर देगी। बिल्कुल इसी तरह जिस तरह से हसीना चल रही है, हम भी ऐसे चल रहे होंगे। ऑक्सीजन की धरती से गायब हो जाने से 21% एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम हो जाएगा, जिसकी वजह से हमारे कानों से खून बहने लगेगा, सर दर्द होगा, अल्टीमेटली हमारा कांड हो जाएगा, फ्यूल कोई नहीं जल पाएगा, क्योंकि फ्यूल को जलने के लिए ऑक्सीजन चाहिए होती है, इतना तो पता होगा ही। और ऑक्सीजन ही नहीं तो फ्यूल क्या घंटा जलेगा? अब हमारे साथ जो चोरी होगी ना, उसे सुन के फटके हाथ में आ जाएगी, सबकी फटके हाथ में। हमारी ह्यूमन बॉडी 72% वाटर से बनी है, यानी H2O, 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल मिलकर वाटर बना। अब गाइस, धरती पे ऑक्सीजन तो होगी ही नहीं, बची हाइड्रोजन, और हाइड्रोजन गैस होने की वजह से, लाइटेस्ट गैस होने की वजह से स्पेस में ट्रैवल कर जाए, और ह्यूमन बॉडी का कुछ नहीं बचेगा, सिर्फ हड्डियों का ढांचा। और गाइस, ये सब कुछ एक ना एक दिन हो ही जाना है। जिस रेट से ऑक्सीजन कम हो रही है ना हमारी धरती से, ये दिन देखना भी पड़ सकता है हमें। गाइस, टेक्नोलॉजी में जल्दी एडवांस बनने और जल्दी प्रोग्रेस करने के चक्कर में हम अपने ही पैरों पे कुल्हाड़ी मार रहे हैं, और ये हम सब कुछ कर किस लिए रहे हैं? गाइस, फ्यूचर के लिए ना। तो सोचो, अगर हम ही नहीं रहेंगे तो फ्यूचर क्या घंटा देखेंगे, क्या करेंगे? गाइस, इस धरती ने हमें सब कुछ दिया, इस प्लैनेट ने हमें सब कुछ दिया, लेकिन हम क्या कर रहे हैं? प्लैनेट का कचरा, प्लैनेट पे कचरा फैला रहे हैं। लेकिन गाइस, आज प्लैनेट हमसे कुछ चाहता है, अपने लिए नहीं, हमारे लिए ही चाहता है। गाइस, कचरा फैलाना बंद कर दो, बंद कर दो कचरा फैलाना, वरना एक दिन ऐसा आ जाएगा, आ सकता है कि जिस दिन ये धरती तो होगी, प्लैनेट तो होगा, लेकिन हम में से कोई नहीं होगा, हम में से कोई नहीं रहेगा। गाइस, जरा सोचो। सो गाइस, अगर आपको वीडियो पसंद आया ना, तो लाइक कर दो यार, लाइक तो बनता है, एक लाइक तो बनता है। सो गाइस, लाइक कर दो और इस वीडियो को शेयर कर दो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, क्योंकि शायद आपके शेयर, वीडियो शेयर करने से किसी बंदे की सोच बदल जाए, ठीक है ना? और कचरा कुचरा फैलाना थोड़ा बंद कर दो भैया, ठीक है ना? वीडियोज़ देखो यार, वीडियोज़ देखो। अगर तुम्हारी अच्छी किस्मत ने तुम्हें इस चैनल तक पहुंचा ही दिया है, तो सब्सक्राइब करके जा, जो पहली बार टपका है वो सब्सक्राइब कर दे, ठीक है गाइस? सो गाइस, ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस मैं आपके लिए लाता रहूँगा, सो देखते रहिए। यहाँ पे मैं आपके लिए टेक्नोलॉजी से रिलेटेड और साइंस से रिलेटेड वीडियोज, गेमिंग